मोर फन, बट यहाँ आके ना हमेशा मतलब अच्छा लगता है, घर जैसा लगता है। और मेरी जो मीटिंग थी ना वो गई अमेजिंग। अब आने वाले दिनों में ये सुन रहे हो, ये ऊपर से ये जा रही है जॉय राइड। अगली बार आके करनी है, हमने वैसे इसकी भी इंक्वायरी करी थी, क्योंकि हर 5 मिनट में ना पास में एयरपोर्ट है, तो कभी यहाँ से ऐसे हेलीकॉप्टर निकलता है, वो जा रहा है पीछे में। एंड बाय द वे, व्हाट अ प्रॉपर्टी। पहली बार हम लोग यहाँ रुके थे, होटल सी प्रिंसेस, पुराना होटल है, अंदर से उतना अच्छा नहीं है, बट सर्विस अच्छी है, स्टाफ अच्छा है, कंफर्टेबल स्टे था बजट के अंदर में। और सबसे इम्पोर्टेंट ना, यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि साथ में समुंदर है, जुहू बीच के ऊपर में है, एयरपोर्ट भी पास में है, 30 मिनट्स लगते हैं यहाँ से, बहुत सारी जगहें ईजिली एक्सेसिबल हैं, और बहुत ही ना ब्यूटीफुल एटमोसफेयर है यहाँ पे। अगर हम बैठते हैं यहाँ खाने पीने के लिए, बढ़िया सा एकदम मतलब रेस्टोरेंट है, तो मज़ेदार जगह है, यहाँ बैठ के नज़ारा लो। देखो रिसेंटली बहुत सारी जगह पे स्विमिंग पूल ना ऑपरेटिव हो गए दोबारा से, बट यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है ना बहुत ही बढ़िया है, बट अभी खुला नहीं हुआ था इसलिए हम बिल्कुल यूज नहीं कर पाए। तो चलो फटाफट से चेकआउट करते हैं। प्रतीक्षा ऑलरेडी आ गई है अपनी गाड़ी लेके, और आज थोड़ा आपको विंड नॉइस काफी आ रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। हमारा माइक इतना अच्छा काम करता नहीं जहाँ हवा तेज चल रही हो, बट अपने दिल में था व्लॉग करने का। अभी का सीन है, गाड़ी में सामान डालने के बाद हम लोग जाएंगे एक बढ़िया सी लोकेशन पे लंच करने के लिए। एंड मैंने सुरन पाजी को भी इनवाइट किया फॉर द लंच, बिकॉज स्ट्रीट इज़ ऑन मी मैन। बाइक ली है, कल रात को कहीं बैठ नहीं पाए, अच्छा डिनर नहीं कर पाए क्योंकि सब लोग थके हुए थे, इसीलिए कल सेटल हो गए। बट अभी एक बार फिर से मिलेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम दिल्ली को चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब हमारे को मौका मिले। हाउ आर यू? कैसी? लास्ट डे यस। फीलिंग लिटिल लो? कौन सेलिब्रिटी? मैं भी तो हूँ यार। बिग बॉस में भी तो आया था। कोई बात नहीं यार, दिखते रहते हैं यार, बस परिणीति कब दिखेगी हमें। When it pop off, it's like oh my, all good all day but the night. लग गया आज से, अभी से, अभी मंडे से, आज मंडे ही है, तो अभी अभी यहाँ नए गाइडलाइंस आ गए कोविड के, कि दिन में 8 बजे तक 4 बंदों से ज्यादा अलाउड नहीं है गाड़ी में, या वैसे ही कहीं घूमने को भी, कहीं पे भी। अच्छा, 8 बजे का प्रॉपर कर्फ्यू, एंड वीकेंड पे लॉकडाउन, फ्राइडे सैटरडे संडे लॉकडाउन। तो भगवान जी थैंक यू, हम नहीं तो यहाँ फंस के रह जाते। हम आज सेफली घर पहुंच जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। एंड सेकंडली काफी फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गए मतलब वीकेंड वाले। हां, एंड आप लोग भी तो ट्रबल टाइम चालू होने वाला सबके लिए है ना, फिर से दोबारा से। क्यों भगवान क्यों? सबको एक उम्मीद ही किरण लगी थी कि चलो सब थोड़ा सा ठीक हो गया था ईयर एंड होते होते तक, कोविड की अपनी वैक्सीनेशन भी आ गई थी, फिर से इतने सारे केसेस बन। I could keep that same energy when you go low, I go low too, but you'd rather stay high, I know you. Can we stay happy? I'd rather be on that way. प्यार लो, ले रहे हैं ना, फाइट मत करो, बस प्यार करो एक दूसरे को। ये एडल्ट कंटेंट थोड़ा है यार, 18 प्लस हमारा चैनल नहीं है, ये तो नेचुरल है ना, गुस्सा भी आता है प्यार भी आता है ना। ये मम्मी बेटा है? नहीं, ये मम्मी बेटी है? नहीं, मम्मी है? नहीं, ये लिली है। विल जी लिली है? क्या बात कर रहे हो, लिली पूछी थी मानो कि वो ZX चैनल किसने ली है। ओ माय गॉड, क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं ना किसी भी यूट्यूबर को। मैम देखो इतनी दूर आए, कितने किलोमीटर दूर, और यहाँ भी इंटरनेट नहीं चल रहा ढंग से, वीडियो अपलोड नहीं हो रही, मतलब आपके एंटरटेनमेंट में रुकावट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, इंडियाज फर्स्ट ZX चैनल 2021, पीपल आर वेटिंग, अपलोड होने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, इधर रहता था क्या शाहरुख खान? शाहरुख वाज इन बॉम्बे, 6-7 इयर्स ही वाज हियर ओनली। ओके, जो उसके फ्रेंड के घर पे
तो बस किस्मत कहीं भी ले जाती है। आज क्या बंदे का घर है, दुनिया खड़ी होती घर के बाहर। यस यस। तो भाई लोग इधर रहते थे शाहरुख खान इनिशियली, मतलब स्ट्रगलिंग डेज में, जब हमारे स्ट्रगलिंग एक्टर थे। फिलहाल बाजी हमें BMW की सवारी करा रहे हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, अभी हम स्ट्रगलिंग स्टार्स हैं। नहीं पाजी नहीं, वो फेमस जगह है, मतलब जहाँ पे अभी अमेरिकन एक्सप्रेस बिक रही है। बाहर एक्चुअली बंदे लेटे सन, ओके, तो ही वाज सपोज्ड टू टेक अ राइड और राइड नहीं ले पाया और सीधा ही बेकरी के अंदर घुस गया। ओह शिट। तो गाइस आपको सलमान का तो पता ही होगा कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, फुटपाथ पे कुछ लोगों की डेथ हो गई थी गाड़ी से उसकी, एंड वो भी केस अभी चल रहा है ना, वर्डिक्ट नहीं आया था ना। वो बोलता है ड्राइवर चला रहा था, कुछ कहते हैं वही चला रहा था पीके, नोबडी नोस, मतलब एट द एंड ऑफ द डे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ था वो इंसिडेंट, मतलब उसको राइट लेना था, ऐसे राइट लेना था वो सीधा ले, और एक्चुअली रोड पे लोग सो रहे थे। दूसरी बार मौका तो जल्दी आंदा, बस कोई ना कोई पाना, मतलब जल्दी कोई बाइक लपनी पड़ी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ तो हम आपको दिल्ली, आप आ जाओ जल्दी से, आ जाओ उड़ के आ जाओ। फिलहाल दोस्तों निकलने की तैयारी, देयर इज अ बीमर, हियर इज अ ड्रीमर। ओके बाय 913 बॉय, बाय बाय ब्रो। तू तो अच्छा साथ जाएगा, अरे अरे दिल्ली तक जाएगा प्रतीक्षा, अरे कैसे झेलूंगा इसको मैं फ्लाइट में। एनीवेज यार, मतलब खाना बहुत बढ़िया खा लिया था, हम अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ गए थे और घूम रहे थे इसके अंदर में। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार मैन, येलो येलो डर्टी फेलो। तू काम ऐसे करता ना तेरे को चीज भी ऐसी मिलेगी, दिखा तो एक बार इनको। मिली तो आपको ज्यादा, सरन पाजी ने सही पकड़े हैं, खन्ना जी को यहाँ पे चप्पल मिली आज। बाय द वे वी गॉट गिफ्ट कैट, मियाओ मियाओ ब्रांड के ये एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, फ्लोटर्स, वो तो चप्पल बोल रहे थे है ना। दिस इज फॉर मी, क्या बोलते हैं, कीटोस, नॉट वेरी श्योर, मैं तो फ्लोटर्स बोलता हूँ, बट आप समझ गए हो ना भावना है। तो खन्ना जी को ये पड़े आज ऐसे, ये जस्ट जोकिंग। सुरन भाजी थैंक यू वेरी मच, दिस कलर इज फैब मैन, बहुत ही बढ़िया है। वैसे मेरे को दो पसंद आ रहे थे, उन्होंने दोनों के दोनों मुझे गिफ्ट कर दिया, मेरे साइज के थे। आई मां, अब तो मजा आएगा। और भाई मतलब कंफर्ट भी है एनी डे, और ये जो सोल देख रहे हो देखो कितना बड़ा, मतलब सबकी हाइट बढ़ने वाली है ना। खन्ना तू बॉर्नविटा नहीं पाता, बचपन में छोटा रह गया था ना, आपको जरूरत है, आपको जरूरत है। फिलहाल एक जगह और छोटा सा ब्रेक लगाएंगे, किसी से मिलना है, हो सकता है कॉफी पे बैठेंगे, कॉफी पीने के बाद में सीधा प्रतीक्षा में ड्रॉप कर देगी एयरपोर्ट पे है ना। जल्दी से पहुंचना चाहिए नहीं तो लेट हो जाएगा। सो अभी 6 बजे में 20 मिनट है, लेट्स ट्राई अवर बेस्ट की 6:30 एयरपोर्ट की तरफ निकल चले। और कितना दूर है यहाँ से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट है तो पास, बट पी का स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ तो 1 किलोमीटर कवर करने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं कई बार है ना, बहुत टाइम लगता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्रतीक्षा ने हमें छोड़ दिया है, अब बाकी का ब्लॉग कोशिश करेंगे हम मोबाइल से करने का। बट गाइस व्हाट अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। मैं हमेशा कहता हूँ भैया ऑलवेज ट्राई टू नॉक द डोर, बातों से हल निकलता है। सो यहाँ पे हमने अपनी सीट चेंज करा ली है बात करके, हमें ना प्रेफर्ड सीट नहीं मिल रही थी, विंडो सीट नहीं मिल रही थी, और अभी जो सीट मिली है ना बीच में खाली है, मतलब खुले में बैठेंगे दोनों भाई है ना, एक रो पूरा अपना इस साइड। चुराई थी ग्रीन टी, अभी गर्म पानी मंगाया और अपना जुगाड़ हो गया। चेयर्स सुनो जी, सही है। तो जब तक फ्लाइट लैंड करेगी पार्ट 2 एडिट हो जाएगा, आई एम श्योर आपने इस वीडियो से पहले देख लिया होगा। सब पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं। तो भाई लोग बात ऐसी, हम पहुंच गए थे अपने घर सेफ एंड साउंड, ऑल थैंक्स टू दैट ऑलमाइटी, एवरीथिंग वेंट सो ऑसम, बहुत फास्ट था 3 दिन, कैसे पता लगे नहीं हमें मुंबई में कैसे गए हमारे 3 दिन। बट देखो मैन व्हाट अ डिसीजन, अच्छा हुआ मैंने डिसीजन लिया कि भाई पुणे से मुंबई ना राइड नहीं करूंगा मैं, बूसा निकल रहा था मुंह से, क्योंकि वो भी आने वाली है। आपको क्लियर कर दिया इससे पहले वाले ब्लॉग में कि भाई दिल में कोई डाउट मत रखो, अगर कहा है तो करेंगे, अगर कहा नहीं होता तो भी करते,
चलो पॉइंट ये है कि जो भी लॉजिस्टिक सर्विस मैंने चूज करी थी ना, उससे मेरी बाइक परसों यहाँ पे पहुंच रही है, और अगर मैं उसको राइड करके मुंबई ले जाता और अभी जो रिस्ट्रिक्शंस लग गए ना लॉकडाउन के चलते, मेरी बाइक को 7 से 10 दिन लगते और उसमें डैमेज हो सकती थी और बहुत सारे पैसे लग सकते थे, तो पैसे भी बच गए, रिस्क भी नहीं लिया हमने और बाइक भी हमारी पहुंचने वाली परसों। एंड अब मैं सैटरडे को लेता हूँ या संडे को लेता हूँ, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन, बिकॉज इस पे फिगर आउट करेंगे जब मेरे सारे दोस्त अवेलेबल होंगे उसी टाइम पे बाइक की री डिलीवरी लेके उसको घर में नई एक्चुअली नए ऑफिस में नई पार्किंग में लेके जाएंगे। तो वहां का भी अपडेट ये है भाई लोग, आज वहां पे टीवी हैंग हो चुका है, इंटरनेट लग गया होगा अभी तक, एंड पहला वीडियो आज ये वाला शायद वहीं से अपलोड होने वाला है क्योंकि थोड़ी देर में मैं वहां जा रहा हूँ। एंड लेट मी टेल यू आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी 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 एक्साइटेड, जैसा मतलब अभी काम चालू है ना लास्ट के एक दो दिनों में काफी फास्ट हो रहा है, गिने चुने काम बचे हैं, तो मुझे इसको देख के ये उम्मीद जाग रही है कि कमिंग वीक के अंदर जब ये हमारे घर में नई परी 2.0 आएगी, उन्हीं दिनों में हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे ऑफिशियली। अभी अनऑफिशियली मैं वहां जा रहा हूँ, शायद अगले ब्लॉग में आपको वहीं से ही दिखाऊंगा, उसके बाद में पाठ कराएंगे, सबको बुलाएंगे, एक छोटी सी पार्टी करेंगे और उसके बाद में वहीं से ही अपना काम कर देंगे चालू। और इस ऑफिस का क्या होने वाला है फ्यूचर अभी के लिए नहीं पता, मे बी अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा टाइम रेंट पे चढ़ाएंगे, फिर लगेगा कहीं पे कुछ अच्छी चीज लेनी है तो इसको सेल करके किसी और प्रॉपर्टी में कर देंगे इन्वेस्ट। तो करते हैं भाई लोग वीडियो यहीं पे क्लोज, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अगले वीडियो को करो इंतजार। अगले वीडियो में बहुत सारी डिटेल है ट्रेवल से रिलेटेड, नए कामों से रिलेटेड और एक नया वेंचर मतलब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक दोस्त के साथ में मिलके वाहेगुरु का नाम लेके, बिकॉज बिजनेस करना चाहिए बॉस, एक काम से आजकल घर नहीं चलता और अपने जो शौक पूरे हो रहे हैं सिर्फ यूट्यूब से नहीं हो रहे, ऑलरेडी 2-3 जगह इन्वेस्टमेंट्स हैं और उसी के हिसाब से इस साल के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए एक नया बिजनेस चालू होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, अभी के लिए बाय बाय।